तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन वो के साथ लेट्स स्टार्ट द सेशन टुडे और आज का पहला शब्द 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 है 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 हमारा द फर्स्ट वर्ड इज का का मीनिंग मीनिंग क्या होता है? शब्द का मीनिंग होता है, कोई चीज कितनी फैली हुई है उसको क्या बोलते हैं उसके उस फैक्ट को बोलते हैं प्रिविलेंस इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है प्रिवलेंट जो कि एग्जामिनेशन में बहुत बार आता है और इसके तीन चार सिनोनिम्स इनमें से राइफ वाले सिनोनिम के ऊपर डबल स्टार मार्क करना राइफ widespread common ubiquitous इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है इन सारे के सारे शब्दों का मीनिंग होता है कि वो चीज कितनी फैली हुई है राइट right? तो ये सारे के सारे आपके एडजेक्टिव्स हैं और इस प्रिवेलेंस प्रिवेलेंट का नाउन क्या है प्रिवेलेंस कि वो चीज कितनी ज्यादा कॉमन है परसेसिवनेस आवाज आ रही है ना सभी को यस yes? चलो एंटेनिम्स की बात करें नाके बराबर है वो चीज रेयर है पॉजिटिव है मींस कमी है पॉजिटिव पे डबल स्टार मार्क कर लीजिए तो जो अथॉरिटीज हैं वो कंसर्न है किस चीज को लेके कि ड्रग अब मतलब ड्रग्स का जो यूज है गलत यूज जो है वो टीनेजर्स में कितना फैला हुआ है अगले शब्द पे आते हैं एब करना एब करने का मीनिंग क्या होता है कोई चीज कमजोर होती जा रही है उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं एब करना। एब दिये 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 वीक होते हुए जाना। करना धीरे-धीरे करना इसको क्या बोल सकते हो रिड्यूसिंग भी बोल सकते हो एक्शन की बात कर रहे हैं वर्ब हो गया एंटेनिम्स कोई चीज बढ़ रही है एस्केलेट हो रही है इंटेंसिफाई हो रही है इंक्रीज हो रही है ये एंटेनिम्स हो गए तो जो जोश था प्रोजेक्ट के लिए वो कम हो गया कब जब बहुत सारी दिक्कतें आई तो बहुत सारी दिक्कतें आई जोश कम हो गया एब हो गया अगले शब्द पे आते हैं ऑगर ऑगर में स्टार मार्क करो भाई ऑगर का मीनिंग क्या होता है किसी भी का सिग्नल होना आगे जो फ्यूचर में होने वाला है उस चीज का सिग्नल देना उसको क्या बोलते हैं ऑगर करना ंग विल बी सक्सेसफुल और नॉट सक्सेसफुल फ्यूचर में जो कुछ भी होने वाला है बोर्ड करना प्रिसेज करना मीन्स आगे का फोरकास्ट कर रहे हो कि आगे क्या होने वाला है ये जो बोर्ड है ना इस पर एक बार डबल स्टार मार्क करो दो फ्रेजेस आते हैं एग्जामिनेशन में बोर्ड इल और बोर्ड वेल बोर्ड इल का मीनिंग क्या होता है कि कुछ खराब होने वाला है बोर्ड वेल well का मीनिंग क्या होता है कुछ अच्छा होने वाला Antonyms हो गए मना कर देना, कर देना देना कि ऐसा नहीं होने वाला है तो so, इकोनॉमिस्ट ने कोशिश करी कि वो स्टॉक मार्केट का फ्यूचर बता पाए करंट ट्रेंड्स को लेके एक्शन की बात कर रही है दैट मींस इट इज अ अगला वर्ड है डाउनकास्ट डाउनकास्ट ऐसे इंसान को बोलते हैं जो बहुत दुखी होता है जिसकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं उसको क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं डाउनकास्ट मींस डेस्पोंडेंट रिजेक्टेड मायूस इंसान इज अ डाउनकास्ट इंसान के बारे में बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो गया एंटोनिम्स की बात करें आज मैं ऊपर जमाना है नीचे इसका मतलब आई एम वेरी हैप्पी दैट मीन्स इलेटेड मीन्स बहुत खुश इंसान को बोलते हैं इलेटेड अपवीट अच्छा अच्छा फीलिंग होना Antonyms हो गया तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम आज बहुत मायूस लग रही हो अ लिटिल मिस थोड़े से आज तुम थोड़े से मायूस लग रहे हो मुझे ऐसा लगता था लिटिल डाउनकास्ट कोई एरर अच्छा यहाँ पे ना डाउनकास्ट जो है किसकी तरह यूज हुआ है नाउन की तरह यूज हुआ है तो इस सेंटेंस में अगर आप देखोगे तो डाउनकास्ट हैज बीन यूज्ड एज अ नाउन क्यों क्योंकि आर्टिकल जो है नाउन के बारे में बताता है तो डाउनकास्ट यहाँ पे नाउन है

और चौथा इस फैमिली का होता है fragile. क्या कोई मुझे चारों वर्ड्स का मीनिंग बता सकता है होता है मैलिएबल होता जिसको आप शीट्स बना सकते हो जिसमें आप पूरी पूरी शीट्स खींच सकते हो जिस मेटल से उस मेटल को बोलते हैं मैलिएबल डक्टाइल होता है जिससे वायर बना सकते हो ब्रिटल होता है जिसको तोड़ सकते हो बहुत आसानी से टूट जाए फ्रिजाइल होता है जो बहुत कमजोर हो चलो पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव एंटोनिम्स हो गए रोबस्ट पे डबल स्टार मार्क करो रोबस्ट स्टडी भी इंपोर्टेंट वर्ड है रोबस्ट स्टडी मीन स्ट्रॉन्ग ये एंटोनिम्स हो गए तो फ्रेल इकोनॉमी जो थी जो कमजोर इकोनॉमी थी उसने बहुत स्ट्रगल किया रिकवर करने में जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई उसके बाद नेक्स्ट वर्ड इज वॉबल वॉबल वर्ड का मीनिंग क्या होता है बड़ी ऐसे ऐसे हिल डुल के ऐसे 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 मूव करना उसको क्या बोलते हैं वॉबल करना Means stagger करना फॉल्टर करना मतलब बहुत स्मूथ मूवमेंट ना हो ऐसा लग रहा है कि अभी गिर जाएगा ये इंसान तो वो इंसान क्या कर रहा है कर रहा है. Antonyms है, रहा है 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 क्या ये बड़ा सही किए जा एक ही जगह बना हुआ है. तो कंपनी तो के जो हैं हुए कंपनी के क्या हो हो गए गए तो यहाँ पे वॉबल का मीनिंग क्या है दे बिकेम अनस्टेबल एक्शन की बात कर रहे हैं इट्स अगले शब्द पर आते हैं नेक्स्ट वर्ड इज एक्सक्यूड करना एक्स्यूड करने का मीनिंग क्या होता है कुछ लोगों को दिखाना कोई इमोशन दिखाना कोई क्वालिटी दिखाना किसी भी जो भी चीज आपके अंदर से निकल रही है और वो बाहर की तरफ जा रही है उसको क्या बोलते हैं एक्स्यूड होना इसमें प्रिफिक्स है एक मीनिंग एक क्या होता है बाहर की तरफ जाना मूव आउट देखा होगा बहुत सारे वर्ड्स एक्सपेल कर दिया गया एक्सटीरियर है वो पर्जप का मीनिंग क्या है कुछ ना कुछ बाहर जाना तो एक्सक्यूट करने का मीनिंग भी क्या होता है प्रकट होना बाहर जाना इमेनेट करना प्रोजेक्ट करना मींस एक जगह से ऐसे बाहर की तरफ निकलना तो एंटोनिम्स क्या हो गए कंसील छुपा देना विथड्रू कर लेना मींस लोगों को नहीं प्रकट करना मैम एक्स से तो सिर्फ एक ही एक्स याद आती है या या याद आता है नहीं बेटा उस एक्स से बाहर आ जाओ क्योंकि अब प्रेजेंट में जीने का टाइम है

हेल्प करते हैं एडवांस करते हैं फैसिलिटेट करते हैं मोटिवेट करते हैं एंकरेज करते हैं तो ये हो गए। तो जो फंड्स में जो तो कमी आई है ये रोक रही है नए नए प्रोग्राम्स के डेवलपमेंट को थ्रॉटल कर रही है समझ आ रहा है सभी को चलो अगले शब्द पे आते हैं नेक्स्ट वर्ड इज रेस्टेड रेस्टेड मीन्स कुश्ती करना रेसल ये वर्ड किससे बना है रेसल से रेसल का वर्ड का मीनिंग क्या होता है कुश्ती करना तो वहीं से ये वर्ड बना रेस्टेड मीन्स आप किसी चीज को बड़ी मुश्किल से पा रहे हो आपको उस चीज को पाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है दैट मीन्स रेस्टेड सीज्ड ग्रास्ट किसी को मुश्किल से अपने पास ले पाना एंटीनिम्स हो गए छोड़ दिया आपने रिलीज कर दिया रेलिंग क्विश त्याग दिया जामरन जी ले अपनी जिंदगी मीन्स रेलिंग क्विश कर दिया त्याग दिया किसी चीज को तो जो शेयर होल्डर्स है प्लान कर रहे हैं कि वो कंपनी का कंट्रोल ले, ले लेंगे करंट डायरेक्शंस से एक्शन की बात कर रहे हैं पार्ट्स स्पीचेस स्पीच इज एक बच्चे का डाउट है मैम कंसील्ड का मीनिंग क्या होता है कंसील्ड का मीनिंग होता है दाग धब्बे चेहरे पे जो दाग धब्बे होते हैं ना उसको छुपाने के लिए एक मेकअप प्रोडक्ट आता है कंसीलर तो कंसील का मीनिंग क्या होता है किसी चीज को छुपाना तुम छुपा ना सको वो राज हूं मैं यू कैन नॉट कंसील मी अगले वर्ड पे आते हैं द नेक्स्ट वर्ड इज स्क्रैप स्क्रैप का होता है किसी चीज को कैंसिल कर देना किसी को उठा के फेंक देना उसको स्क्रैप कर दिया मतलब वो यूज में नहीं है no it is, it त्याग दिया गया था एंटोनिम्स हो गए वापस से ले लेना री इंस्टेट कर देना अडॉप्ट कर लेना तो उनको जबरदस्ती की गई कि वो प्लान को खत्म कर दें एक नए स्कूल बिल्डिंग एक्शन okay. की बात कर रहे हैं yes? चलो. अगले वर्ड पे आते हैं. का मीनिंग क्या होता है? आप किसी को मनाने की कोशिश कर रहे जाना. जैसा मैं कह रहा हूं वैसा कर लेना उस बात को समझ जाना उसको क्या बोलते हैं स्वे करना मींस किसी को प्रभावित करने की कोशिश करना इन्फ्लुएंस करना इंड्यूस करना उसको एंटेम्स हो गए कर देना, कर देना आपकी बात को मान ही नहीं रहा बिल्कुल भी तो वो इन्फ्लुएंस नहीं हुई उसके गुड लुक से या फिर उसकी ग्लिप ग्लिप भी स्मूथ स्मूथ टॉक से कोई फर्क नहीं पड़ा सुंदर था दिखने में अच्छा था दिखने में बातचीत भी बड़े अच्छे से कर रहा था लेकिन शी जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं हुई एक्शन कर रहे हैं वर्ब हो गया अगला वर्ड है सीड सीड वर्ड का मीनिंग क्या होता है सीड वर्ड का मीनिंग होता है कि आप अपनी चीजों को त्याग दो और दूसरे को दे दो उसको बोलते हैं सीड करना मीन्स relinquish कर देना yield कर देना मतलब त्याग देना आपने अपने आप से वो चीज छोड़ त्याग दी और किसी दूसरे को सौंप दी दैट इज सीज कर देना एंटोनिम्स होगा खुद ले लेना सीज कर लेना टेक कर लेना जो टीम कैप्टन है उसने कैप्टेंसी को त्याग दिया और एक यंगर प्लेयर को दे दिया जिसके अंदर बहुत अच्छी लीडरशिप स्किल्स थी, हां SACRIFICE कर दिया एक्शन इज व्हाट पार्टिसिपेट वर्ब राइट एक फ्रेजल वर्ब है फ्रेजल वर्ब क्या है शॉर्ट अपर्टअप इसका मतलब क्या है वो बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है तो उसका साइज जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है दैट इट इज शूटिंग अप शाई ऑफ शाई ऑफ का मतलब क्या होता है कि आपके पास वो चीज उतनी कम है उतनी ज्यादा नहीं है तो इफ यू आर शाइंग ऑफ समथिंग मीनस यू हैव इट इन वेरी लेस अमाउंट आपके पास वो चीज बहुत कम अमाउंट में है का हमारा पहला शब्द है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दैट इज सर्च सर्च का मीनिंग क्या होता है किसी चीज में इंक्रीज किसी चीज में कोई भी बढ़ोतरी आई है उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम सर्च बोलते हैं इस शब्द को हम वर्ब की तरह भी यूज करते हैं और इसको हम नाउन की तरह भी यूज करते हैं क्या हो गए किसी भी तरह का बूस्ट आना आना इंक्रीज होना कोई चीज स्पाइक होना स्पाइक का मीनिंग भी क्या होता है ऊपर की तरफ जाना एंटेनिम्स क्या हो गए स्लम्प गिरावट आ जाना डिप आ जाना कोई चीज प्लंज कर जाना प्लंज का मीनिंग भी क्या होता है नीचे की तरफ आ जाना तो अनएक्सपेक्टेड सर्ज हमने सोचा नहीं था बट पावर में इलेक्ट्रिक पावर में बढ़ोतरी हो गई इसकी वजह से क्या हुआ कंप्यूटर क्रैश हो गया अगले शब्द पे आते हैं ऊपर डबल स्टार मार्क कीजिएगा बेटा लास्ट में ओ है इसका मतलब है एडजेक्टिव है conspicuous means कोई चीज आपको बिल्कुल नोटिसिएबल है उसके चेहरे से ये बात बिल्कुल conspicuous थी कि आज ही उसका ब्रेकअप हुआ है तो conspicuous means extremely visible noticeable clear स्पष्ट हो जाना मींस एविडेंट हो जाना आपके शरीर इसको मैनिफेस्ट कर मैनिफेस्ट का यहाँ पे क्या? आपको वो चीज दिख रही है आपको वो चीज विजिबल है एंटोनिम्स क्या हो गए ऑब्सक्योर है मतलब क्लियरली विजिबल नहीं है इनडिसनेबल है मीन्स आपको क्लियरली विजिबल नहीं है ऑब्सक्योर का मीनिंग क्या होता है वेग है वेग का मीनिंग क्या होता है नॉट क्लियर क्लियर नहीं है और क्या बोल सकते हैं इसको एम्बिगुअस एम्बिगुअस के ऊपर और ये वेग के ऊपर स्टार मार्क करना ये दोनों आपस में बहुत बार सिनोनिम्स में पूछे जाते हैं तो उसका जो अचानक से बिहेवियर में चेंज हुआ वो क्लियर था उसके फ्रेंड्स को जिसकी वजह से डाउट होने लग गया कि कुछ तो गलत हुआ है yeah. आगे वर्ड पे आते हैं नेक्स्ट वर्ड अगला वर्ड डेवोल्यूशन लास्ट में आयो एन लग रहा है इसका मतलब क्या हो गया नाउन डेवोल्यूशन होने का मतलब क्या होता है कि सरकार ने क्या किया सरकार ने रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक नीचे वाले लेवल पे दे दी तो डिवॉल्व कर दिया डिवोल्यूशन कर दिया इसका मीनिंग क्या है जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको नीचे दे डिसेंट्रलाइजेशन हो गया सरकार ने अपनी पावर आगे के कॉम्पोनेंट्स को दे दी डिसेंट्रलाइजेशन है डेलीगेशन डेलीगेशन मैंने आपको दो वर्ड्स बताया था आप लोगों को याद होगा एक होता है डेलीगेशन और एक और क्या होता है डेलीगेशन डेलीगेशन का मतलब क्या होता है डेलीगेशन का मतलब होता है कि आप पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी को नीचे दे रहे हो रेलीगेशन का मतलब होता है किसी को डिमोट कर रहे हो किसी को नीचे वाली रैंक दे रहे हो तो यहाँ पे पावर ट्रांसफर होती है जबकि यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे किसी का डिमोशन होता है किसी को लोअर रैंक दी जाती है तो so, एंटेनिम्स क्या होगा बनाए रखना किसी चीज को रिटेंशन मीन बनाए रखना तो कुछ कंट्रीज में डेवोल्यूशन की वजह से पावर को ट्रांसफर करने की वजह से ऑटोनॉमी आ गई है उन रीजन के पास उन स्टेट्स के पास उस कंट्री के अंदर अगला वर्ड है एमिकेबल लास्ट में ए बी एल ई लग रहा है तो ये एडजेक्टिव है इसमें एक रूट वर्ड का इस्तेमाल हुआ है एंड दैट इज एमी एमी वर्ड का मीनिंग क्या होता है लव प्यार इश्क़ So, amiable, एमिकेबल दोनों शब्दों का मीनिंग क्या होता है कोई चीज जो बहुत अच्छे रिलेशन में की गई है डन और अचीव एंड अ फ्रेंडली विदाउट आर्गुइंग बहुत फ्रेंडली तरीके से की गई है दैट इज वॉट एमिकेबल एमीएबल का भी मीनिंग सेम ही होता है कॉर्डियल है कॉन्जीनियल है इसको आप एमीएबल भी लिख सकते हो एमीएबल का मीनिंग भी क्या होता है फ्रेंडली है एंटोनिम्स क्या हो गए तू मेरा दुश्मन दुश्मन में तेरा तो बैलीजरेंट रिलेशंस होना बैलीजरेंट में रूट वर्ड क्या है बेटा बैली बैली का मीनिंग क्या होता है वॉर लड़ाई तो बैलीजरेंट का मीनिंग क्या हो गया कि लड़ाई वाले रिश्ते हैं खराब रिश्ते हैं डिसकोर्डेंट डिसकोर्डेंट का मीनिंग क्या है दुश्मनी है आपस में और कैसे हो सकते हैं हॉस्टाइल हैं हॉस्टाइल का मीनिंग क्या होता है रिश्ते जो हैं खराब हैं तो सरकार के और यूनियन सरकार और जो यूनियन है उसने कोशिश करी कि वो एक एमिकेबल सेटलमेंट कर पाए एक फ्रेंडली सेटलमेंट कर पाए उस लड़ाई का समझ में आ रहा है वर्ड सभी को चल आगे बढ़ते हैं अगले शब्द पर आते हैं नेक्स्ट वर्ड इज़ परपेचुअल परपेचुअल मीन्स जो चलता रहे चलता रहे चलता रहे तो परपेचुअल मीन्स जो रुके ना जो लगातार क्या करे चलता रहे कॉन्टिन्यूइंग फॉर एवर इनसेसेंट हो एंड टॉलरेटिंग हो, हो रुके ही ना चलता रहे Antonyms क्या होगा? एफरल पे स्टार मार्क करना evanescent पे भी star mark करना। evanescent का meaning क्या होता है पल भर का थोड़े ही पल का शॉर्ट मोमेंट का उसको क्या बोलते हैं एफी मैरल इवेनेसेंट मीन सिर्फ चुटकी भर का एंटोनिम हो गया जो लगातार चले उसका तो फैक्ट्री जो है किसके ऊपर डिपेंडेंट थी फैक्ट्री डिपेंडेंट थी पर पेट्रोल जो लगातार प्रोडक्शन हो रहा था जिससे कि जो हाई डिमांड है वो मीट हो सके उसके पॉपुलर प्रोडक्ट की हाँ टेम्पोर कह सकते हैं राइट एंटेम्स में लास्ट में ए एल लग रहा है तो पार्टल स्पीच इज एडिव अगले शब्द पे आते हैं प्रोमलगेट करना मीन्स किसी को पब्लिक अनाउंस कर देना पब्लिकली अनाउंस कर देना मतलब आपने उसे घोषणा कर दी सबके सामने इसका मतलब आपने उसे क्या किया प्रोमलगेट कर दिया अनाउंस इन लॉ और सिस्टम ऑफिशियली या पब्लिकली प्रोक्लेम कर दिया डिक्लेयर कर दिया मींस अनाउंस कर दिया एक्शन की बात कर रहे हैं वर्ब हो गया एंटे छुपा लिया तुम छुपा ना सको वो कैन नॉट कंसील दिस थिंग कंसील मीन्स छुपा लेना Suppress means दबा लेना तो जो नया लॉ आया उसको फाइनली डिक्लेयर कर दिया गया पिछले साल के ऑटम में अगले वर्ड पे आते हैं अगला वर्ड है वॉर से बना है वॉर से, से याद कर सकते हो इसको मतलब लड़ाई चल रही है आपस में आपस में कैसे रिश्ते हैं खराब रिश्ते हैं तो क्या वर्ड यूज होगा वॉरिंग कॉम्बेटेंट हॉस्टाइल कॉन्फ्लिक्टिंग मींस दुश्मनी वाले रिश्ते

एक्शन की बात कर रहे हैं वर्ब है ये शब्द हमारा एडजेक्टिव था तो आर्टिकल 370 को नलीफाई कर दिया गया था याद है वो न्यूज किसी ने फॉलो की थी तो नलीफाई करने का मतलब क्या होता है एनल कर देना रिसाइंड कर देना रिवोक कर देना इसका मीनिंग क्या होता है उसको हटा देना एग्जिस्टेंस से अब वो लागू ही नहीं होगा अब उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है दैट मीन्स नलीफाई कर दिया गया एंटेनिम्स Ratify करना अप्रूव करना वैलिडेट करना सैंक्शन करना सैंक्शन करने का मतलब भी क्या होता है किसी चीज को अप्रूव कर देना तो जो नया लॉ है उसको इनेक्ट किया गया जिससे कि जो पुराने रेगुलेशंस हैं वो नलीफाई हो सके वो हट सके कोई दिक्कत अगले वर्ड पे आते हैं रेमिट रेमिट का मीनिंग क्या होता है पूरा का पूरा एरिया पूरा का पूरा, पूरा आ, वो फील्ड जहां पे आपका डोमिनेंस है जहां पे आपका स्कोप चलता है उसको क्या बोलते हैं रेमिट पूरा का पूरा एरिया जहाँ पे आपकी क्या है अथॉरिटी है जहाँ पे आपका क्या है जहाँ पे आपका इन्फ्लुएंस है दैट इज नोन एज रेमिट पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया राइटी शब्द नाउन है एमिट हो गया प्रोविंस हो गया मतलब जहाँ पे आपका कंट्रोल चलता है एंटेनिम्स क्या हो गए लिमिटेशन है रेस्ट्रिक्शन है मतलब वहाँ पे कंट्रोल नहीं चलता है तो ऐसे डिसीजंस जो हैं इस कमेटी के रेमिट के बाहर है इस कमेटी के एरिया के बाहर है स्कोप के बाहर है कंसीड कर देना मतलब क्या होता है मान लेना किसी बात को पहले आप मना कर रहे थे अब आपने क्या किया उस बात को मान लिया दैट कर लिया अबाव कर दिया एक्नोलेज कर दिया कि भाई मैं मानता हूँ इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ आई कंसीड टू इट एंटनिम्स क्या हो गए नहीं मानता भाई मैं लड़ाई करता हूँ मुझे नहीं पता ये बात मैं नहीं मानता इस बात को कंटेस्ट कर रहे हो डिस्प्यूट कर रहे हो तो उसको जबरदस्ती मनवाया गया कि क्या हो सकती है की डिफिकल्टीज हो सकती हैं तो उसको जबरदस्ती इस बात को मनवाया गया एक्शन की बात कर रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब अगले शब्द पर आते हैं नेक्स्ट वर्ड इज डेलिनिएट करना इसके पास चार मार्क कीजिए डेलिनिएट करने का मीनिंग क्या होता है किसी चीज को अच्छे से डिस्क्राइब करना किसी चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करना दैट इज वॉट डेलिनिएट करना आप किसी चीज को डिटेल में बता रहे हो पोर्ट्रे कर रहे हो इलस्ट्रेट कर रहे हो जो गए हो रहे हो, अच्छे से नहीं बता पा रहे तो कॉन्स्टिट्यूशन ने केयरफुली बताया किन्स्टिट्यूशन एक्शन की बात कर रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच वर्ड अगला वर्ड है एब्रोगेट कर देना एब्रोगेट कर देने का मतलब भी वही होता है जो अभी हमने पढ़ा क्या नलीफाई कर देना रिवॉक कर देना रेप्यूडिएट कर देना रेस्काइंड कर देना मींस उसको खत्म कर देना दैट इज व्हाट एब्रोगेट कर देना एंटोनिम्स हो गए इंसट्यूट कर देना एस्टैब्लिश कर देना बना देना तो ये जो ट्रीटी है इसको त्याग दिया गया इसको छोड़ दिया गया 1929 में एक्शन की बात कर रहे हैं पार्ट स्पीचेस वर्ब अगले वर्ड पे आते हैं फ्रेजल वर्ब्स हैं पहला फ्रेजल वर्ब है ले आउट करना मीन्स किसी चीज को बहुत डिटेल में समझाना प्लीज ले आउट द प्लान मतलब इस प्लान को बहुत डिटेल में समझा दो एक है ट्रिप्ड अप इसका मतलब क्या है आपने कोई गलती कर दी है या आपने किसी को गलती करवा दी है दैट मीन्स यू ट्रिप्ड अप मीन्स यू हैव मेड अ मिस्टेक इनिशिएट इनिशिएट करने का मीनिंग होता है किसी चीज को स्टार्ट करना आप किसी जिसको इनिशिएट कर रहे हो उसका मतलब क्या है आप उस चीज को शुरू कर रहे हो कमेंट्स करना इनॉग्रेट करना कमेंट्स के ऊपर डबल स्टार मार्क कीजिए कमेंट्स मीन स्टार्ट करना एंटेडेंस हो गए आपने उस चीज को रोक दिया या आप उसके फाइनल पे पहुंच गए हॉल्ट कर दिया कॉन्क्लूड कर दिया तो सरकार ने इनिशिएट किया है एक प्रोग्राम इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने का इकॉनमी को अच्छा बनाने के लिए चेंजेस लाने का एक्शन की बात कर रहे हैं पार्टा स्पीचर्स वर्क

Antonyms हो आपने फ्री कर दिया फ्री कर, कर दिया तो की जो प्रोग्रेस थी में, वो मायर हो गए, मतलब वो हो गई, गई मतलब रुक गए, किस वजह से? क्योंकि मेंबर्स क्या थे Disagree कर रहे थे, मेंग्री ही नहीं कर रहे थे तो मायर मीन फंसा देना या फंस जाना चल, अगले पर आते हैं नेक्स्ट वर्ड इज ओवरहॉल फिर से ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ओवर वर्ड का मीनिंग क्या होता है किसी चीज़ को आपने हटाया वहां से उसको ठीक किया और वापस से उस जगह लगा दिया उसको क्या बोलते हैं ओवरहॉल करना मीन्स किसी चीज़ की मरम्मत करना किसी चीज़ में चेंजेस करना जिससे कि वो चीज़ अच्छे से काम में आ जाए दैट इज ओवरहॉल करना रि Re रिवैम्प करना रेनोवेशन करना मीन्स ठीक करना उस चीज़ को रिवैम्प पे डबल स्टार मार्क कीजिए इसमें भी एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच वो इसके एंटेनिम्स है रैक कर देना खराब कर देना मार इस मार वर्ड पे चार पांच स्टार मार्क कर लो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इस मार वर्ड का मीनिंग होता है स्पॉइल करना आपने क्या किया उस चीज को और खराब कर दिया तो ये जो चेंजेस है क्या चाहते हैं हैं ये चेंजेस चेंजेस कहते कि ओवरहॉल हो आए जिस तरीके से ब्रिटेन जो है एयर ट्रेवल को रन करता है तो ओवरहॉल को हमने कैसे यूज किया इनफैक्ट वर्ब नहीं है ये नाउन की तरह यूज हो रहा है तो इट इज वॉट इट इज अ नाउन ओवरहॉल इज अ नाउन चलो अगले शब्द पे आते हैं अंडरमाइन करना अंडरमाइन करने का मीनिंग क्या होता है किसी चीज़ की वैल्यू को कम कर देना आप किसी चीज़ को अंडरमाइन कर रहे हो मतलब उसको वो इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे जो उसको मिलनी चाहिए थी मेकिंग सम वन लेस कॉन्फिडेंट लेस पावरफुल लेस लाइकली टू सक्सीड आप उसको कमजोर बना रहे हो दुर्बल कर रहे हो सिनोनिम्स क्या हो गए इंपेयर कर रहे हो डिबिलिटेट कर रहे हो मीन्स कमजोर बना रहे हो वो वैल्यू ही नहीं दे रहे जो उसको मिलनी चाहिए एक्शन की बात कर रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब Antonyms की अगर हम बात करें, bolster करना, strong बनाना, fortify करना, बनाना, बनाना। इस इस में एक root word है है? और इस root word का मीनिंग क्या होता है? Strong, या strength. तो सराह को बहुत खराब लगा जब उसके क्लासमेट्स उसकी एफर्ट्स को अंडरमाइन करते रहे उसकी वैल्यू को नहीं समझे जो एफर्ट्स वो कर रही थी ग्रुप प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए समझ आ रही है वो कैबलरी चलो अगले शब्द पे आते हैं द नेक्स्ट इज का मीनिंग भी क्या हो गया खराब कर देना कोई चीज डेटोडियेट हो रही है मतलब वो खराब होती जा रही है आपने किसी चीज को डेटोडिएट कर दिया इसका मतलब आपने उस चीज को खराब कर दिया मीन्स टू बिकम वर्स सिनोनिम्स क्या हो गए रिग्रेस डीजेनरेट मीन्स खराब होते हुए जाना फिर से किस चीज की बात कर रहे हैं एक्शन की बात कर रहे हैं चीज खराब होती जा रही है तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया हुआ. क्या हो गए किसी को एनहांस करना करना, means, करना। इंक्रीज तो जो रिश्ता था दोनों फ्रेंड्स के बीच में वो खराब होने लग गया जब हुआ? मिस अडरस्टेंडिंग हुआ. Yes? अगले वर्ड पे आते हैं ऊपर की तरफ जाना देखो दो वर्ड्स होते हैं एक होता है एसेंट एक होता है एक्सेंट इस शब्द का मीनिंग क्या होता है ऊपर की तरफ जाना कोई चीज ऊपर की तरफ जा रही है ये जो एक्सेंट होता है आप किस तरीके से बोल रहे हो आपका एक्सेंट इंडियन एक्सेंट है अमेरिकन एक्सेंट है या ब्रिटिश एक्सेंट है बोल, बोलने का तरीका तो सिनोनिम्स क्या हो गए एलिवेशन या फिर एडवांसमेंट इसका मीनिंग क्या है ऊपर की तरफ जाना इंक्रीज होना एंटोनिम्स क्या हो गए डिसेंट या फिर फॉल नीचे की तरफ आना तो विद दिस रिस प्रमोशन उसका जो अभी अभी प्रमोशन हुआ है अब वो ऊपर की तरफ जा रहा है अपने करियर में मतलब उसके साथ जो चीजें हैं वो बहुत अच्छी हो रही हैं पार्ट ऑफ स्पीच इज वॉट ये शब्द आपका नाउन है अगले शब्द पर आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं नेक्स्ट वर्ड इज कर्टेलिंग कर्टेलिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है किसी चीज को लिमिट करना यस चल कर्टल करना कर्टल करने का मीनिंग क्या होता है किसी चीज को रिड्यूस करना जिसको कम करते हुए जाना डिमिनिश करना लेसन करना मीन्स कम करना एंटेनिम्स क्या हो गए एम्पलीफाई करना हाइटन करना इंक्रीज करना तो रूबी के जो सपने थे कि वो पूरी दुनिया ट्रैवल करेगी वो थोड़े टाइम के लिए कम हो गए मतलब तो थोड़े टाइम के लिए उनमें बाधा आ गई जब उसको अपनी पढ़ाई पर फोकस करना पड़ा एक्शन की बात कर रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच वर्ड uh -huh. अगला वर्ड है एक्सपीडीट करना एक्सपेडिट करने पर डबल स्टार मार्क कीजिए वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड एक्सपडीट करना किसी चीज को जल्दी करवा देना प्लीज एक्सपेडिट द प्रोसेस इस प्रोसेस को जल्दी करवाओ ना एक्सपेडिट करो इसको एक्शन की बात कर रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच मेक समथिंग हैपन मोर क्विकली जल्दी जल्दी करवाना किसी चीज को हेसन करना प्रेसिपिटेट करना मीन्स आप उस चीज को जल्दी जल्दी करवा रहे हो एंटोनिम्स क्या हो गया डिले करना देरी से हो रही है आराम से हो रही है प्रोलॉन्ग लंबे टाइम तक चल रही है तो सीईओ ने रिक्वेस्ट किया टीम को कि वो जो नया प्रोडक्ट को बना रहे हैं उसको जल्दी जल्दी बनाए जिससे कि कॉम्पिटिशन से वो लोग आगे रह पाए अगले वर्ड पे आते हैं द नेक्स्ट वर्ड वर्ड इज हेल हेल का मीनिंग क्या होता है जब आप किसी चीज के लिए हेल वर्ड का इस्तेमाल करते हो इसका मतलब क्या है आपकी जो टोन है वो पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है वो बढ़िया है वो बना रहे सब कुछ अच्छा रहे दैट मीन्स हेल करना आप उसकी तारीफ कर रहे हो डिस्क्राइब समबडी और समथिंग एज वेरी गुड और स्पेशल आप उसकी जय जयकार कर रहे हो अपलोड कर रहे हो एक्सटॉल कर रहे हो प्रेस कर रहे हो यूलोजाइज कर रहे हो तारीफ कर रहे हो एंटेम हो गए कंडेम करना सेंश्योर करना मीन्स बुराई करना तो नई सरकार की जो पॉलिसी है उसको एन्वायरमेंटलिस्ट ने उसकी तारीफ करी कि एक बहुत अच्छा स्टेप है क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए तारीफ कर रहे हो तो एक्शन कर रहे हो इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब अगला वर्ड है अनब्रिडल अनब्रिडल्ड वर्ड से बना मुझे ड्राइंग करने की जरूरत पड़ जाएगी मान लेना कि ये जो है एक हॉर्स है हॉर्स को ऐसे बांधा जाता है तो इनको बोलते हैं इसको बोलते हैं हॉर्स को ब्रिडल किया जाता है इसका मीनिंग क्या होता है हॉर्स को कंट्रोल किया जाता है ब्रिडल्स की हेल्प से तो ब्रिडल का मीनिंग क्या हो गया कंट्रोल करना तो अनब्रिडल्ड क्या हो गया ऐसी चीज जो कंट्रोल तो ही नहीं है तो अनब्रिडल्ड इज वॉट अनब्रिडल्ड इज समथिंग विच इज नॉट कंट्रोल्ड और लिमिटेड कोई चीज जिसके ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है इनटेम्परेट है अनरेस्ट्रेनड है मीन्स कोई भी कंट्रोल नहीं है एंजेनिम्स क्या हो गए कंस्ट्रेंड है चेकड है कंट्रोल्ड है तो उसका जो अनब्रिडल्ड एम्बिशन था उसका जो बिना कंट्रोल का मतलब कोई लिमिट ही नहीं थी ऐसे उसके जो सपने थे इसकी वजह से वो बिना थके हुए काम करता था दिन और रात अपने सपनों को पूरा करने के लिए पार्ट ऑफ स्पीच इज वॉट एडजेक्टिव मैम डायनासोर लग रहा है चलो थैंक गॉड किसी एनिमल से तो मिलता जुलता है ना आई एम वेरी हैप्पी विद दिस कोई दिक्कत चलो आगे बढ़े अगले वर्ड में आते प्लंज करना प्लंज करने का मीनिंग होता है ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे तेजी से गिरना दैट इज वर्ट प्लंज करना शेयर मार्केट डूब रही है तो शेयर मार्केट प्लंज कर रही है बहुत तेजी से गिर रही है प्लमिट कर रही है क्रैश कर रही है बहुत तेजी से गिर रही है एंटेनिम्स हो गए बर्ड जनिंग स्काई रॉकेटिंग मीन्स बहुत तेजी से ऊपर जा रही है तो जो डिमांड में जो गिरावट हुई है इसकी वजह से शेयर प्राइसेस बहुत तेजी से गिर गए एक्शन की बात कर रहे हैं वर्ब हो गया अगला वर्ड है किसी चीज को कैरी आउट करना मतलब आपने उस काम को पूरा कर लिया ही आउट द टास्क वेरी वेल उसने उस काम को बहुत अच्छे से पूरा किया तो कैरी आउट मीन अच्छे से किसी चीज को पूरा करना वो कैबलरी क्लियर है सभी को तीन इडियम्स है एक ही करके देखते हैं पहला है क्लियरिंग द डेक प्लीज क्लियर द डेक इसका मतलब क्या है जितनी भी अननेसेसरी चीजें हैं सबको हटा दो जिससे कि हम काम कर सकें तो क्लियर द डेक मीन्स अननेसेसरी चीज़ों को रिमूव करो और काम पर फोकस करते हैं काम शुरू करते हैं एट ऑर्ड्स मीन्स भाई मेरे और तुम्हारे विचार मिलते नहीं है तो वी आर एट ऑर्ड्स विद ईच अदर मीन्स मैं कुछ और सोच रही हूँ तुम कुछ और सोच रहे हो भाई अगला है चेक्स एंड बैलेंसेस इसका मतलब क्या है कुछ रूल्स रेगुलेशंस ऐसे जिससे कि कोई इंसान अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना कर सके या फिर उसके पास बहुत ज्यादा पावर ना आ जाए उसके लिए क्या बोलते हैं उसके लिए हम बोलते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस समझ आई विकैबलरी चलो लोप साइडेड लोप साइडेड का मीनिंग क्या होता है जब कोई चीज बैलेंस नहीं होती एक तरफ ज्यादा होती है दूसरी तरफ कम होती है एक तरफ ज्यादा पावरफुल होती है दूसरी तरफ कमजोर होती है उस चीज को हम क्या बोलते हैं लोप साइडेड मीन्स नॉट इवनली बैलेंस्ड बैलेंस्ड वो चीज नहीं है कोई पार्ट छोटा है कोई पार्ट बड़ा है दैट इज लोप साइडेड

अगले शब्द पे आते हैं पोजिट पोजिट मीन्स किसी के सामने रखना किसी चीज को पुट फॉरवर्ड करना किसी चीज को प्रस्तावित करना प्रस्ताव की तरह लोगों के आगे रखना दैट इज वॉट पोजिट करना टू पुट फॉरवर्ड और अज्यूम एज अ बेसिस फॉर रीजनिंग और आर्ग्यूमेंट या फिर किसी चीज़ को सजेस्ट करना प्रपोज किया आपने पॉस्टुलेट किया किसी के सामने रखा एक्शन की बात कर रहे हैं वर्ब हो गया डिनाई कर दिया डिसप्रूव कर दिया रिफ्यूट कर दिया डिनाई कर दिया रिजेक्ट कर दिया रेप्यूडिएट कर दिया कैंसिल कर दिया नलीफाई कर दिया एब्रोगेट कर दिया रिवोक कर दिया रेस्काइंड कर दिया इन सब का मीनिंग क्या होता है आपने भाई मना कर दिया ये सब बेकार है मत करो इस चीज को तो साइंटिस्ट जो है सामने रखते हैं कि एक डायरेक्ट रिलेशन हो सकता है दोनों वेरिएबल्स के बीच में इस डेटा के बेसिस पे तो साइंटिस्ट ने इस बात को सामने रखा अगले वर्ड पे आते हैं द नेक्स्ट वर्ड इज वेदर्ड वेदर्ड का मीनिंग क्या है बहुत मुश्किलों का समय था लेकिन आप उस मुश्किलों के समय से बाहर आ गए तो यू वेदर्ड इट इसका मीनिंग क्या हुआ आप जो है मुश्किलों के समय से बाहर आ चुके हो। केम सेफली थ्रू अ डिफिकल्ट पीरियड और एक्सपीरियंस आपने एंड्योर किया मुश्किलों वाला समय झेल लिया आप ब्रेफ कर गए मीन्स मुश्किलों के समय को झेलते हुए बाहर निकल आए एंटीनिम्स हो गए आप हार गए सकम कर गए सीड कर गए मतलब आपने घुटने टेक लिए आपने ईल्ट कर लिया हार गए दैट इज एंड दे आर तो कंपनी जो है रिसेशन से बाहर आ पाई एक्शन की बात कर रहे हैं तो वेदर यहाँ पे क्या है वेदर इज अ वर्ब वैसे वेदर एक नाउन भी होता है जिसका मीनिंग क्या होता है किस तरह का मौसम चल रहा है मौसम से गाना मुझे याद आ गया आप लोगों को भी कोई गाना याद आया मौसम से चलो अगले वर्ड पे आते हैं नेक्स्ट वर्ड इज फ्ल फ्लाउंडरिंग फ्लाउंडरिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि बहुत ज्यादा मुश्किलों में है कोई इंसान ऐसा डेंजर है कि वो कभी भी हार सकता है तो उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम एंड बींग इन डेंजर ऑफ फेलिंग कंप्लीटली बहुत बड़े खतरे में है मैम आ गया ये बारिश का मौसम ये मौसम का जादू है, है ना चलो सनिम्स क्या हो गए फ्लाट फॉल्टरिंग फ्लॉगिंग मीन्स मुश्किलों के समय में होना कभी भी आप हार सकते हो एंटेम्स हो गए आप सक्सेसफुल हो रहे हो प्रॉस्पर कर रहे हो तो डेड लाइन अप्रोच हुई तो टीम जो है फ्लाउंडर करने लग गई मुश्किलों से घिरने लग गई अनएबल टू कप अपीम जो है एक बहुत ही कोहेसिव कोसिव मीन्स लॉजिकली कनेक्टेड ऐसा प्लान ला ही नहीं पाई एक्शन की बात कर रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ड वीवन प्लस आई एन जी है तो ये एडजेक्टिव की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है अगले वर्ड पे आते हैं द नेक्स्ट वर्ड इज कंसर्टेड इसमें रूट वर्ड है को को प्रीफिक्स का मीनिंग होता है टुगेदर तो कंसर्टेड का मीनिंग क्या हो गया सबने मिलजुल के को कोई काम किया है तो एक कंसर्टेड आईडिया क्या हो गया मिला जुला, मिलजुल के जो आईडिया निकाला है तो कंसर्टेड मींस मिलजुल के काम करना प्लानड और डन थ्रू डन टुगेदर फॉर अ शेयर्ड पर्पस कोऑर्डिनेट करना कलेक्टिव करना एंटनिम्स हो गए अकेले अकेले करना इंडिविजुअल करना यूनिलेटरली करना अकेले अकेले करना तो जो अमीर कंट्रीज हैं उनको मिलजुल के कोशिश करनी चाहिए गरीब कंट्रीज की हेल्प करने की पार्ट ऑफ स्पीच इज़ वॉट एडजेंटिव अगला वर्ड है सॉलिडारिटी लास्ट में आई टी वाई लग रहा है तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया नाउन सॉलिडारिटी मीन्स यूनिटी सब मिलजुल के काम करें सॉलिडारिटी मीन्स यूनाइटेड होके काम करें यूनिटी के साथ काम करें तो अग्रीमेंट हो सबका और सब में अंदर क्या हो यूनिटी हो एकजुटता हो यूनाइटेड हो कॉनकॉर्ड हो यूनिसन हो यूनिटी हो दैट मीन्स सॉलिडारिटी हो एंटोनिम्स हो गए लड़ाई हो डिस्कॉर्ड हो हॉस्टेलिटी हो लड़ाई हो दुश्मनी हो तो जो अलग अलग ग्रुप थे वॉलंटियर्स के उन्होंने यूनिटी दिखाई जब वो काम कर रहे थे बीच को क्लीन करने के लिए अगले वर्ड पे आते हैं वर्ड का मीनिंग क्या होता है किसी चीज को प्लान करना हो सकता है षड्यंत्र की प्लानिंग चल रही हो शकुनी मामा करते थे भांजे और ऐसे करके वो पूरा का पूरा एक आइडिया ऑर्केस्ट्रेट करते थे मीन क्या करते थे प्लान करते थे तो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग समथिंग केयरफुली एंड समटाइम्स सीक्रेटली इन ऑर्डर टू अचीव अ डिजायर्ड रिजल्ट मींस क्या करना किसी चीज़ को डिवाइस करना इंजीनियर करना ऑर्केस्ट्रेट करना मींस बहुत छुप छुप के किसी को हराने की किसी प्लान को एग्जीक्यूट करने की प्लानिंग करना मेरे बच्चे बोलते हैं मेरे बच्चे हाँ दो पार्ट ऑफ स्पीच इज वॉट वो Antonyms क्या हो गए नहीं हो रही चीजों को अलग-अलग किया जा रहा है तो मैनेजर ने चार्ज लिया उसने एक seamless, seamless means smooth, एक करवाया अलग-अलग के बीच में जिससे कि वो डेडलाइन को मीट कर सके अगले वर्ड पे आते हैं एडवोकेट करना एडवोकेट करना मीन्स किसी को सपोर्ट करना आप किसी चीज को एडवोकेट कर रहे हो इसका मतलब आप उस चीज को सपोर्ट कर रहे हो अपना सपोर्ट दिखा रहे हो एक्शन की बात कर रहे हैं वर्ब हो गया तो किसी भी चीज को पब्लिकली सपोर्ट करना इज एडवोकेट करना चैंपियन करना एंडोर्स करना शाहरुख खान कौन सी ब्रांड को एंडोर्स करते हैं सलमान खान किस ब्रांड को एंडोर्स करते हैं एंडोर्स मींस पब्लिकली बोलते हैं भाई मैं इस ब्रांड को सपोर्ट करता हूं एंटोनम्स क्या होगा डिसअवो डिस्करेज नेगेटिव बोलना तो जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी वो बिना थके काम कर रही थी किस चीज को सपोर्ट करने के लिए कि एजुकेशन जो है हर बच्चे को इक्वली मिले एक्शन की बात कर रहे हैं। अगेन इट इज अ वर्ब। मैम केसरी को तो जुबा केसरी एक बार ना ऐसे ही हम लोग जा रहे थे रास्ते में तो एक बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ था जुबा केसरी का एंड आई वाज लाइक यू नो मतलब मैं सोच रही थी मार्केटिंग टीम के कितनी ज्यादा दिमाग होगा कि जुबा केसरी उन्होंने सारी दीवारें केसरी कर दी है इतना बड़ा इतना ह्यूज लॉस है कंट्री को दीवारों को केसरी करने की वजह से जितने भी आप इंस्टीट्यूशन में चले जाओ वो उसको एक पॉजिटिव लाइट में दिखा रहे हैं है ना इस इतनी बड़ी नेगेटिव चीज को एक पॉजिटिव टैगलाइन बना के वैसे शो करना चलो आ जाते हैं फ्रेजल वर्ब्स पे नेक्स्ट इज टाइड ओवर टाइड ओवर मीन्स मुश्किलों का समय चल रहा था किसी ने सपोर्ट दिया किसी ने हेल्प करी उस मुश्किलों के समय में तो ही उसने क्या किया टाइड ओवर किया अगले वर्ड पे आते हैं फिजल आउट मीन्स धीरे 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 करके क्या हो रही है एनर्जी खत्म होती जा रही है धीरे धीरे करके इंसान थकता जा रहा है इसकी वजह से क्या हो रहा है फिजल आउट टू तो ग्रेजुअली लूज स्ट्रेंथ मोमेंटम और इंटरेस्ट जिसकी वजह से क्या हो रहा है आउटकम अचीव ही नहीं हो पा रहा अगला वर्ड है ग्रैपल विद मीन्स किसी चीज के साथ संघर्ष करना आप किसी चीज के साथ ग्रैपल कर रहे हो मतलब उस चीज को पाने में उस चीज को समझने में आप संघर्ष कर रहे हो क्रैकडाउन ऑन बहुत स्ट्रिक्ट कदम उठाना किसी के खिलाफ किसी को पनिश करना स्ट्रिक्ट कदम उठाना दैट इज वॉट क्रैक डाउन ऑन समझ आई वो कैबलरी सभी को एवरी वन स्केल अप करना किसी चीज को इंक्रीज करना स्केल डाउन करना किसी चीज को डिक्रीज करना इन द वेक ऑफ उसके जस्ट पीछे पीछे तो कोई चीज़ इन द वेक ऑफ हुई तो इसका मतलब ये कोई इवेंट हुआ इसके जस्ट पीछे पीछे ये वाला इवेंट हुआ तो ये कैसा हुआ इन द वेक ऑफ इट हुआ इसको एक और बोलते हैं ऑन द हील्स ऑफ मीन्स बिल्कुल पीछे पीछे होना आउट ऑफ द वुड्स इसका मीनिंग क्या है कोई चीज़ अब प्रॉब्लम से मुश्किल से डेंजर से डिफिकल्टी से बाहर आ चुकी है टू बी आउट ऑफ डेंजर और डिफिकल्टी मुश्किल वाला समय निकल चुका है अब सिक्योरिटी मिल गई है दैट इज आउट ऑफ वुड्स, एल्यूसिव अगर मैंने बोला डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है तो इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे is elusive. Elusive means, किसी पकड़ पाना, किसी याद कर पाना किसी चीज को ढूंढ पाना किसी चीज को हासिल कर पाना दैट इज एल्यूसिव लास्ट में आई वीई लगा हुआ है इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो गया इवेसिव, जो हाथ से निकल जाए एंटेम्स क्या होंगे एक्सेसिबल है, है इसका मतलब है जिसको आप पकड़ सको हाथ ना आने वाली एक भी है ना ऐसा तो इन क्वेश्चन एल्यूसिव है मतलब नहीं मिल सकते अगले वर्ड पे आते हैं एल करना एल करने का मीनिंग होता है किसी को परेशान करना किसी के रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें पैदा कर देना दैट इज वॉट एल करना टू कॉज डिफिकल्टी एंड for फॉर समीटर्ब करना एजिटेट करना इसका मतलब क्या है आप उसको क्या कर रहे हो परेशान कर रहे हो एंटेम्स हो गए हेल्प कर रहे हो एड कर रहे हो सूद कर रहे हो रिलैक्स कर रहे हो तो जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं है इसकी वजह से गांव के लोग हैं वो बहुत परेशान रहते हैं इसकी वजह से डिफिकल्ट हो जाता है कि उन लोगों को मेडिकल सर्विसेस मिल पाए एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट इट्स अ वर्ब राइट अगले शब्द पे आते हैं नेक्स्ट वर्ड इज इरोड करना इरोड करने का मीनिंग होता है धीरे-धीरे धीरे-धीरे करके कमजोर बनाते हुए चले जाना फॉर एग्जांपल सोइल इरोजन होता है जब बारिश होती है तो पानी क्या करता है धीरे-धीरे धीरे मिट्टी के इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को अपने साथ बहाता चला जाता है उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन तो इरोजन मीन धीरे 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 करके आप किसी चीज को खत्म कर रहे हो कमजोर बना रहे हो वीकन कर रहे हो अंडरमाइन कर रहे हो हो गए बना रहे हो प्रिजर्व कर रहे हो प्रोटेक्ट कर रहे हो तो जो ट्रस्ट था दोनों के बीच में वो धीरे धीरे खत्म हो गया क्यों क्योंकि वो एक दूसरे से सीक्रेट्स रखने लग गए थे टॉप सीक्रेट्स रखने लग गए थे तो इसकी वजह से दोनों दोस्तों के बीच का ट्रस्ट ट्रस्ट जो है विश्वास जो है खत्म हो गया एक्शन की बात कर रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब नेक्स्ट वर्ड इज ट्रांकलिटी लास्ट में आई टी वाई लग रहा है मतलब नाउन है इस वर्ड पर डबल स्टार मार्क कीजिए वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड ट्रांक्विलिटी मीन्स शांति इसका एक सिनोनिम क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट सेरेनिटी मीन्स शांत है सब कुछ पीस है सब जगह शांति ही शांति है क्वाइट्यूड सब जगह क्वाइटनेस ही क्वाइटनेस है एंटीनिम्स हो गया है टर्मोइल है उथल पुथल है टर्ब्यूल है।, है इसका मतलब क्या हो गया सब जगह उथल पुथल है तो जो इतनी सुरीली आवाज थी पियानो की इसकी वजह से शांति का सेंस आ रहा था रूम मतलब रूम एकदम शांत हो गया था रूम में बहुत अच्छा लग रहा था और जिसकी वजह से जो गेस्ट थे उनके बीच में जो टेंशन थी वो खत्म होती जा रही थी अगले वर्ड पे आते हैं द नेक्स्ट वर्ड इज कंसीड करना कंसीड करने का मीनिंग क्या मैं मान लेता हूँ ना भाई तुम्हारी बात मैं तुम्हारे आके झुक गया हूँ मैं तुम्हारी बात को कंसीड कर गया हूँ मतलब तो मैंने तुम्हारी बात मान ली है मैंने कर कर लिया है, मैंने कर लिया है है मैंने मैंने एडमिट कर लिया है किसी बात को कि ठीक है चलो आई कंसीडेड टू इट एंटनी में मैं नहीं मानता भाई मैं कॉन्टेस्ट करूंगा मैं लड़ाई करूंगा मैं डिस्प्यूट करूंगा मैं कॉन्फ्लिक्ट करूंगा बट मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा एक्शन की बात कर रहे हैं वर्ब हो गया तो कंपनी का जो सीईओ था उसने रिलक्टेंटली रिलकटेंटली मीन्स झिझक के अनविलिंगली हेजिटेंटली माना कि उनकी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है वो उतनी अच्छी नहीं है जितना कि उन्होंने उम्मीद लगाई थी अगला वर्ड है राइफ इस पर जितने स्टार मार्क कर सकते हो कर लो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है राइफ वर्ड का मीनिंग होता है कोई चीज भरी हुई है उस चीज से राइफ है मीन्स टीमिंग है फुल ऑफ है रिप्लीट है भरी हुई है और क्या कह सकते हैं और कह सकते हैं वो चीज क्या है कॉमन है बहुत ज्यादा वो चीज क्या है रैम्पेंट है वो चीज परवेसिव है वो चीज यूबिक्विशस है वो चीज ओमनी प्रेजेंट है जगह है भरी पड़ी है फुल है टीमिंग है तो ये सारे के सारे क्या हो गए सिनोनिम्स हो हो गए गए एंटोनिम्स खाली है भाई लैकिंग है है कमी है उस चीज की तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है भरे हो सकते हैं साइबर बुलिंग से लोग आपको परेशान करें जिसकी वजह से जरूरत है कि सेफ्टी कदम उठाए जाए पार्ट ऑफ स्पीच किसी नाव के बारे में बात कर रहे हैं ये शब्द आपका एडजेक्टिव हो गया अगले शब्द पे आते हैं द नेक्स्ट वर्ड इज प्रोलॉन्ग प्रोलोंग मीस जो बहुत लंबे टाइम तक चले लॉन्ग से समझ में आ रहा होगा लॉन्ग मीस लंबा तो प्रोलोंग मीस लंबे टाइम तक उनका जो रिश्ता है वो पांच साल से चला जा रहा है अब और भी लंबा हो गया है मीन्स प्रोलॉन्ग प्रोट्रैक्टेड लिंगरिंग लिंगरिंग का वैसे मीनिंग होता है मंडराना तो प्रोलॉन्ग मीन्स कॉन्चिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंटेनिम्स हो गए सक्सेंट खत्म हो गया सक्सेंट मीन्स ब्रीफ पल भर का थोड़े से समय का फ्लीटिंग बहुत ही कम तो जो था इतने लंबे टाइम से तो सूखा पड़ा हुआ था रीजन में इसकी वजह से बहुत पानी का शॉर्टेज हो गया और क्रॉप फेल हो गई मतलब सारी की सारी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई एक्शन की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं किसी नाउन के बारे में तो ये ऑफ स्पीच क्या है एडजेक्टिव अगले शब्द पे आते हैं एप्रीहेंशन लास्ट में आयो एन है इसका मतलब नाउन हो गया एप्रीहेंशन होता है डर किसी बात का मुझे एप्रीहेंशन हो रहा है कि मेरा इस बार सिलेक्शन नहीं होगा तो आपको इस बात का डर है आपको इस बात की आशंका है आपको इस बात का कंसर्न है या कंसर्न अबाउट इट मीन्स यू आर हैिहेंशन मीन्स वरी और फियर कि कुछ खराब हो सकता है

आगे बढ़ते हैं एवर्ट इसके ऊपर भी स्टार मार्क कर लो इंपॉर्टेंट वर्ड है एवर्ट मीन्स किसी चीज को रोकना होने से आप किसी चीज को टाल रहे हो किसी चीज को रोक रहे हो होने से इसका मतलब आप क्या कर रहे हो एवर्ट कर रहे हो फोर्स कर देना प्रिक्लूड कर देना रोक देना भी नहीं बुरा समय टल जाओ एंटेनिम्स हो गए प्रमोट कर दिया फैसिलिटेट कर दिया आगे बढ़ा दिया तो सरकार ने बहुत स्ट्रिक्ट कदम उठाए जिससे कि जो बीमारी का जो फैलना है वो रुक सके एक्शन की बात कर रहे हैं वर्ब तीन फ्रेजल वर्ब्स देख लेते हैं पहला फ्रेजल वर्ब ले आउट किसी चीज को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करना बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करना रीलिंग अंडर किसी चीज के भार के अंदर किसी चीज के बर्डन के अंडर स्ट्रगल करना परेशान होना शॉर्ट ऑफ किसी चीज की कमी होना अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है ऐसी चीज जो पहले कभी हुई नहीं है ऐसी चीज जिसके पहले पहले भी आपने पहले कभी सुना नहीं है जिसको पहले कभी experience नहीं किया है। फॉर एग्जांपल जब कोविड आया था 2019 में, तो unprecedented था वो अब तो चलो सुना हुआ है अब तो चलो झेला हुआ है तो अनप्रेसिडेंटेड मीन्स डन और एक्सपीरियंस बिफोर विदाउट प्रीवियस एग्जाम्पल अनपैर नॉवेल मीन एकदम न्यू एंटर क्या हो गए री है ट्रिपिकल है मतलब सब लोग जानते हैं कभी नहीं हुआ था उसकी हिस्ट्री में मतलब Now के बारे में बताता है, word is adjective. अगला वर्ड है ट्रांजिशनिंग आई एनजी लग रहा है तो ट्रांजिशनिंग वर्ब के साथ ही आई एन जी लगता है तो ये वर्ब है ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज तो ट्रांजिशनिंग का मतलब क्या हो गया किसी चीज के अंदर चेंज आ रहा है चेंजिंग कोई चीज ट्रांसफॉर्म हो रही है इवॉल्व हो रही है बदल रही है एक सॉन्ग था ना एक कुछ लाइन थी बदलाव आ रहा है अनचेंजिंग हो गए कुछ बदलाव नहीं आ रहा अनचेंजिंग है कांस्टेंट है तो कंपनी जो है उसमें बदलाव आ रहा है और कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो और सस्टेनेबल और बढ़िया होता जा रहा है अगले शब्द पे आते हैं नेक्स्ट वर्ड इज prevailing एक डायलॉग uh, का अंधेरा कायम रहे मे प्रिवेल तो प्रिवेल वर्ड का मीनिंग क्या होता है कायम रहना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे एग्जिस्ट करना अकर करना दैट इज वॉट प्रिवेल करना एक्शन की बात कर रहे हैं वर्ब हो गया डोमिनेंट होना करंट होना बने रहना एंटनिम्स हो गए रेयर होना ना के बराबर होना आउटडेटेड होना पुराना होना तो इतने सारी मुश्किलों के बावजूद भी जो बना हुआ ओपिनियन है वो ये है कि इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करना चाहिए नेक्स्ट वर्ड इज इंड्यूस करना इंड्यूस करने का मीनिंग है किसी को प्रेरित करना किसी को किसी काम के लिए आप मोटिवेट कर रहे हो इंस्पायर कर रहे हो एनकरेज कर रहे हो दैट मीन्स आप उसको इंड्यूस कर रहे हो दैट मीन्स एनकरेज करो इंस्टिगेट भी कर रहे हो मतलब उसको उस काम को करने के लिए आप फीलिंग्स जगा रहे हो एंटेनिम्स हो गए रोक रहे हो डिटर कर रहे हो डिसवेट कर रहे हो तो जो एडवर्टाइजमेंट है उसका मकसद क्या है कि लोग जो है एनकरेज हो और वो और ज्यादा फ्रूट को खाएं पार्ट ऑफ स्पीच एक्शन है तो वर्ब अगले शब्द पे आते हैं नेक्स्ट वर्ड है टेस्टी एक वर्ड होता है टेस्टी मम्मी के हाथ का खाना माँ के हाथ का खाना बड़ा ही टेस्टी होता है वो टी ए एस टी वाई है ये है टेस्टी टेस्टी ऐसे इंसान को बोलते हैं जो बहुत जल्दी जल्दी इरिटेट हो जाता है जिसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है जो बहुत चिड़चिड़ा सा होता है ऐसा इंसान क्या होता है ऐसा इंसान होता है टेस्टी ईजिली इरीटेटेड और अनॉयड हर किसी की जिंदगी में ऐसा एक ना एक इंसान जरूर होता है इरिटेबल होता है ग्रम्पी होता है अब आप उस इंसान को क्या बोल सकते हो ही इज टेस्टी इसका एंटनेम हो गया बहुत धैर्यपूर्ण इंसान बहुत शांत इंसान पेशेंट कंपोज्ड काम तो बी केयरफुल बहुत सावधान रहना जब तुम तो उससे बात करो सुबह सुबह क्योंकि जब वो उठता है वो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है जब तक उसे उसकी कॉफी नहीं मिलती कॉफी मिलती है तो ठीक हो जाता है बट उससे पहले बड़ा चिड़चिड़ा सा रहता है ना उनके बारे में बात कर रहे हैं एडजेक्टिव हो गया अगला वर्ड है डेफर करना डेफर करना मीन्स किसी चीज़ को टाल देना आपने किसी चीज़ को पोस्टपोन कर दिया इसका मतलब आपने क्या किया उसको डेफर कर दिया इसकी एक फ्रेजल वर्ब भी होती है और फ्रेजल वर्ब है पुट ऑफ ओ डबल एफ ऑफ पुट ऑफ कर देना मतलब किसी चीज़ को पोस्टपोन कर देना एक और फ्रेजल वर्ब होती है ऑफ की कॉल ऑफ इसका मीनिंग होता है कैंसल करना इसका मीनिंग होता है डिले करना एक और होती है सेट ऑफ इसका मतलब है किसी जर्नी को शुरू करना ओ डबल एफ ऑफ वाली फ्रेजल वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जामिनर की फेवरेट होती है तो सिनोनिम्स हो गए डिले कर देना प्रोकेस्टिनेट कर देना प्रोकेस्टिनेट में डबल स्टार मार्क करूँ कल ही मैं अपने टीम मेंबर को बोल रही थी मैंने उसको एक काम दिया था वो काम तीन दिन हो गए तो हुआ ही नहीं था तो कल मैंने उसको बोला वाई डू यू कीप प्रोकेस्टिनेटिंग दीज टास्क तुम इन कामों को प्रोकेस्टिनेट क्यों करते रहते हो मीन्स डिले क्यों करते रहते हो एंटनिम्स होगा एडवांस करना हेसन करना मीन्स जल्दी जल्दी करवाना तो जो मीटिंग थी उसको पोस्टपोन किया गया अगले हफ्ते के लिए क्यों क्योंकि सीईओ वहां पे नहीं थे एक्शन की बात कर रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब अगले शब्द पर आते हैं नेक्स्ट वर्ड इज ऑस्टेंसिबल ऑस्टेंसिबल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड डबल स्टार मार्क करो ऑस्टेंसिबल का मीनिंग होता है जो बापू ऊपर ऊपर से दिख रहा है कोई चीज जो आपको ऊपर ऊपर से दिख रहे हैं आपको नहीं पता सच है झूठ है गलत है क्या है बट मैम ऑस्टेंसिबल तो ये है ऊपर ऊपर से तो ये समझ में आ रहा है मीन्स सीमिंग और स्टेटेड टू बी रियल और ट्रू बट पता नहीं है या नहीं Synonyms क्या हो गए एपरेंट है एविडेंट है क्लियर है एंटोनिम्स हो गए एक्चुअल में क्या है रियल में क्या है तो जो ऊपर ऊपर से रीजन लग रहा था कि वो नहीं आया वो बीमारी थी लेकिन जो अफवाहें थी वो कुछ और ही कह रही थी बीमारी बीमारी तो सिर्फ़ एक बहाना था लास्ट में आई बी एल ई लग रहा है एडजेक्टिव है अगला वर्ड है इनडिस्पेंसिबल लास्ट में ए बी एल ई लग रहा है एडजेक्टिव है इनडिस्पेंसिबल का मतलब होता है जिसके बिना काम नहीं चल सकता पानी जो है इनडिसबल है हमारे लिए पानी के बिना काम नहीं चल सकता समथिंग विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्रूशियल वाइटल एंटेम्स हो गए इंपॉर्टेंट है ही नहीं ट्रिवियल है मामूली सी एक्सपेंडेबल है मतलब उसके बिना काम चल जाएगा तो जो इंटरनेट है इस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल बन चुका है कम्युनिकेशन के लिए अगले शब्द पे आते हैं काउंटेनेस लास्ट में ए एन सी लग रहा है पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ड नहीं लास्ट में एनसी लग रहा है लेकिन ये नाउन नहीं है ये जो वर्ड है इसको हम वर्ब की तरह ही यूज करते हैं तो काउंटेन्स वर्ड का मीनिंग क्या है इसको स्टार मार्क कर लेना लग रहा है लास्ट में ए तो लग नाउन रहा है बट ये नाउन नहीं है इसका मीनिंग क्या होता है किसी चीज को आपने अप्रूव कर दिया अपना सपोर्ट दे दिया उस चीज को तो उसको हम क्या बोलते हैं काउंटेन्स करना एंडोर्स करना एडवोकेट करना मीन्स सपोर्ट करना एंटेन क्या हो गए एंटेनिम्स रियल और एक्चुअल नहीं है एंटेनिम्स हो गए आप किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे आप उस चीज को डिनाई कर रहे हो आप उस चीज को रिजेक्ट कर रहे हो तो ये क्या हो गए आपके एंटनिम्स हो गए तो स्कूल जो है वो सपोर्ट नहीं करेगा खराब बिहेवियर स्कूल सपोर्ट नहीं करेगा कैसे पता चला ये वर्ब है विल विल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है कोई भी मॉडल फॉर्म होगी कैन कुड मे माइट विल शाल शुड टू डेयर टू यूज टू इन सब के आगे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो एक क्या था वर्ब था अगले वर्ड पे आते इनकॉम्प्रिहेंसिबल ऐसी चीज जिसको आप समझ ही नहीं पा रहे हो उसको क्या बोलते हैं इनकॉम्प्रिहेंसिबल समझने में योग्य ही नहीं है लास्ट में एल लग रहा है मतलब क्या है एडजेक्टिव है तो अन unintelligible है अनफेथमेबल है मीन नहीं समझ में आ रही भाई, इनडेसिफरेबल है नहीं समझ में आ रही एंटेनिम्स क्या हो गया प्लॉजिबल है रीजनेबल है लॉजिकल है कंसीवेबल है भाई समझ में आ रही है तो साइंटिफिक थ्योरी की इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी वजह से ये ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आती है एक डायलॉग था ना समझ में नहीं आता हूँ दिमाग पता नहीं कौन सा था आप लोगों ने सुना है डायलॉग समझ में आता हूँ पता नहीं मुझे डायलॉग्स मूवी के लिरिक्स थोड़े थोड़े से याद होते हैं बस चलो अगले वर्ड पे आते हैं द नेक्स्ट वर्ड इज कॉम्प्लायंस लास्ट में ए एन सी लग रहा है मतलब नाउन है कॉम्पलायंस वर्ड का मीनिंग क्या होता है आप किसी रूल्स रेगुलेशंस को नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हो तो आप उनको फॉलो जो कर रहे हो उसको हम क्या बोलते हैं कॉम्प्लायंस दिल में आता हूँ दिमाग में नहीं हाँ चलो वेरी गुड इसमें तो आपके नंबर फुल आएंगे भले ही वोकैबलरी में मार्क्स अच्छे आए ना आए इस तरह के क्वेश्चन में आपको हमेशा फुल मार्क्स मिलते हैं तो मींस किसी चीज को फॉलो कर पा रहे हो आप एंटोनिम्स हो गए कॉन्ट्रोवेंशन नहीं रूल्स ब्रेक कर दी, एक और एंटेम्स है ट्रांसग्रेशन ट्रांसग्रेशन का भी मीनिंग क्या होता है रूल्स को तोड़ देना मीन्स वायोलेशन तो कंपनी जो है पूरी तरीके से इन्वायरमेंटल रेगुलेशन को पूरा करती है अगले वर्ड पे आते हैं एक एडियम है सेट इन मोशन किसी चीज को मोशन में सेट करने का मतलब क्या है किसी चीज को शुरू करना टू बिगिन समथिंग जितने लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है आज के आज ले लेना कंप्लीट बैंकिंग एग्जाम्स का भी ले सकते हो सिर्फ इंडिविजुअल परफेक्शन का भी ले सकते हो आज के टाइम पे इंडिया के सारे बेस्ट फैकल्टीज अन्य लर्निंग एप्लीकेशन पर पढ़ाते हैं तो अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो आप वहां से सब्सक्रिप्शन ले लो आप कोड लगाओगे निमेशा इस कोड को लिख लो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा आप इंग्लिश का इंडिविजुअल लेना चाहते हो इंडिविजुअल ले लो कंप्लीट बैंकिंग लेना चाहते हो कंप्लीट बैंकिंग ले लो कोई डाउट हो कोई क्वेरी हो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो नंबर है डबल नाइन फाइव थ्री फाइव नाइन टू एट डबल जीरो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म भी दिया हुआ है उस फॉर्म को भी आप फिल कर सकते हो टीम आपको कॉल करेगी और आपके सारे डाउट्स और क्वेरीज का आंसर देगी ठीक है तो मिलते हैं परफेक्शन बैच की क्लास में तीन से सभी लोग मिलके बोलेंगे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो यहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी इंग्लिश इज अ वेरी इजी लैंग्वेज आई एम वेरी गुड एट इंग्लिश एंड आई डेफिनेटली गेट माय ड्रीम जॉब ओके बाय बाय एवरीवन